बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। व्हाइट हाउस में हेलोवीन की तकरीब का इनेकाद किया गया। अमरीकी सदर और खातून अव्वल ने शिरकत की। इस मौके पर वो बच्चों और शहरियों में घुल मिल गए। तकरीब का अहतमाम व्हाइट हाउस में किया गया, जिसमें शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर व्हाइट हाउस के गार्डन में मसनूई मकड़ी के जाल और कद्दुओं से सजावट की गई। व्हाइट हाउस के शेफ्स ने लजीज मिठाइयाँ, कुकीज़ और चॉकलेट समेत बच्चों के मनपसंद पकवान तैयार किए। ईरान ने समंदरी हदूद से स्मगल शुदा ईंधन ले जाने वाले गैर मुल्की जहाज को कब्जे में ले लिया। जहाज से 11 मिलियन लीटर स्मगल शुदा ईंधन बरामद हुआ है। ईरानी खबर रसां एजेंसी ने सुबह हर्मजगान में जुडिशियल अथॉरिटी के सरबराह मुजतबा जहरमानी के हवाले से बताया, पासदारान इनकलाब ने एक गैर मुल्की बहरी जहाज की तलाशी ली, जिससे 11 मिलियन लीटर स्मगल शुदा ईंधन बरामद हुआ। जहाज के कप्तान और अमले के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकबूजा वादी कश्मीर पे काबिज भारतीय अफवाज ने जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी रखते हुए मजीद 4 बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय अफवाज ने 3 बेगुनाह निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इलाके औंतीपुरा में मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान शहीद किया, जबकि एक नौजवान को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जाम शहादत नोश करना पड़ा जहाँ घर घर तलाशी का अमल जारी था। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह शहीद किए जाने वालों में 6 ऐसे नौजवान शामिल हैं जिन्हें या तो फौजी हिरासत के दौरान जामे शहादत नोश करना पड़ा और या फिर उन्हें जेली मुकाबलों में शहीद किया गया।